तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और इस वीबीए पावर प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे लूप की, लूप में हम बात करेंगे फोर ईच लूप। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फोर लूप की, फोर आई लूप की। अब हम बात करें फोर ईच लूप की। एक बार फिर दोबारा आपको हम समझा देते हैं कि लूप जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह का होता है, फोर लूप एंड डू लूप। फोर लूप में दो पार्ट है, हम फोर आई करते हैं इसको और यहाँ पे फोर एच। फोर आई में देखा आपने कि हमें इसको स्टार्टिंग टू एंड देना पड़ा और इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। हम बात कर रहे हैं फोर एच लूप की। अब जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको कि मेरे पास कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, राइट। अब मुझे इन वर्ड्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, कुछ भी ऐसा वर्ड। तो अगर यही चीज अगर एमएस वर्ड में होता तो मैं सेलेक्ट करके डायरेक्ट केस चेंज कर देता, बट एक्सेल में केस चेंज करने के लिए कोई कोई कमांड नहीं है, फॉर्मूला है। हम इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे अपर केस का फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया पे है तो डिफिकल्ट है थोड़ा हाईलाइट करना, केस को चेंज करना। हम चाहते हैं कुछ ऐसा बने कि हम एरिया को सिलेक्ट करें और हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर कि यहाँ पे हम फोर आई लूप नहीं लगा सकते, फोर आई लूप नहीं लगा सकते। ना लगाने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ है ही नहीं। हमें यू केस फॉर्मूले को कितना बार रन करना है इसका कोई आइडिया नहीं, अन्ना ना निकल सकता है क्योंकि डेटा ही कुछ ऐसा है। तो हमें लास्ट कंडीशन में बचता है कि जो एरिया हम सेलेक्ट करें उसके हर एक सेल पे चले। चलिए चलिए यहां पे हम इसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट अब यहां पे हम देते हैं एक dim r as a range, फिर देंगे for each r in select sign और next r, और फिर बोलते हैं r dot value is equal to u case r dot value। अब इस चीज को समझिए, हमने एक रेंज डिफाइन किया क्योंकि हमें सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्टेड डेटा जो है वो तो एक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन लूप को हमें एक एक करके एक एक सेल पे जाना होगा। तो हमने आर इसलिए डिफाइन किया ताकि सिलेक्शन का एक एक सेल वन बाय वन आर पे स्टोर होते जाएगा, असाइन होते जाएगा। क्या नेक्स्ट आर करना पड़ेगा ना सर, वो आई हो गए कहा स्टार करना। हाँ हाँ नेक्स्ट आर। तो यहां पर हमें कोड दिया कि फोर इज आर इन सिलेक्शन, हमने क्या बोला फोर इज आर इन सिलेक्शन, मतलब कि आर पे सिलेक्शन का एक एक करके यहाँ पे स्टोर होगा और फिर उसको चेंज करेगा, फिर आर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके यहाँ पे देखिए मैं इसको एफेट करता हूँ, एफेट किया। अब देखिए आर की वैल्यू एस पी था, एस पी को कन्वर्ट कर दिया किसमें अपर केस में, ठीक है सर। तो वापस आर के पास कोई और वैल्यू आ गई, अब इसमें आर में ब्लैंक है, कोई वैल्यू नहीं है, फिर कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक था इसलिए।
तो सिलेक्टेड एरिया में चलेगा और आप देखोगे कि पूरा एरिया को अपर केस में कन्वर्ट कर, समझ में आया सर फंडामेंटल? ये आर एक बार रन रन होगा सर है ना? क्या बोल रहे सर? तो पहले हमने फोर आई का वो डिस्टिनेशन दिया था, इतना चलना पड़ेगा, मगर ये तो वो एक बार सिलेक्शन होगा, उसके बाद में वो अपर केस लोअर केस कर देगा, उसके बाद वो फिनिश होगा। ये 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 जो हुआ, हम फोर इंच का जो यहाँ पे लगा रहे एग्जांपल में क्या है, देखिए फोर इंच अंडरस्कोर यहाँ पे हम टू कर, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अब अगली एग्जांपल की हम बात करें, तो अगला एग्जांपल हमारे पास है कि हमने एक डेटा ले लिया होगा, राइट? अब ये डेटा ये तो हमने एक चीज आपको लास्ट क्लास मैंने लास्ट लूप क्लास में भी समझाई थी, जो हमने दो लूप को एक साथ पढ़ा था नेस्टेड लूप, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर हम लूप लगाएंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं, बॉर्डरी लगाते हैं, तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट किए हैं तो बॉर्डर पूरा पे लग गया। अगर हमने थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट किया तो थोड़ा पे लग गया। अगर इमेजिन कीजिए कि बॉर्डर लगाने का तरीका ये होता कि ओवरऑल पे होता, भाई पूरे डेटा पे बॉर्डर लगेगा, तो हम यहाँ पे तो एक छोटे से एरिया पे बॉर्डर करने के लिए मुझे पूरा एरिया ही बॉर्डर करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ यूजर को हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप जितना एरिया चाहे उतना एरिया पे अपना कर सकते हैं। मैंने बोला कि मैं सिलेक्ट किया बोलता ग्रेटर देन 50 को हाईलाइट कर, तो यहां पे हम लिखते हैं पहले वेरिएबल लिखते हैं कि dim r as a range और फिर यहां देते हैं कि for h r in selection next r, यहां कंडीशन देते हैं कि if r dot value is greater than 50 then r dot interior dot color equal to vv red green blue sharp magenta जो देना चाहते हैं आप यहां दे सकते। ठीक है सर, हेलो हेलो बोलिए। और सर इसमें मल्टीपल कंडीशन भी हम दे सकते हैं राइट? हाँ, अब यहाँ पे बात है जैसे कि आपने बोला कि सिलेक्शन नहीं बोला कि मैं एक एरिया सेट है, एक सिलेक्शन एरिया पे चलेगा ना सर। अब एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आप आपके जो सिलेक्टेड एरिया था उस पर वर्क किया, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्टेड एरिया पे वर्क ना हो, मैं एक एरिया लिख दूं कि हाँ बी थ्री से जी टेन। तो आप सिलेक्शन के जगह पे अपना एरिया डिफाइन कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं रेंज रेंज बी थ्री से जी टेन, ये भी ले सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी, जैसे आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि जो हमने आपको सिलेक्शन मेथड बताया था याद होगा, तो यहां पे हम ये भी कर सकते हैं, यहां पे यहां पे एक और रेंज ले लेते हैं कि डिम के एज ए रेंज और हम के इक्वल टू रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, या फिर जो एंड वाला मेथड हमने बताया था आपको
याद होगा, ठीक है। अब यहाँ रेंज की जगह पे हम के कर रहे हैं, के फॉर इच आर इन के, ठीक है, क्लियर सर? सर एक बार, ठीक है, एक तो हमारी आर होगी रेंज और एक हमारी के हो गई है। हाँ, हमने जैसे होगा क्या, जैसे ये तो जो छोटा है ना, यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन मेथड एंड वाला होता है ना कि एक्स लेस एंड अप एक्स लेस डाउन सिलेक्शन डॉट डाउन वगैरह जो बताया था आपको मेथड, या फिर कॉलम कॉलम लेके फिर सेल्स में डालना जो डायनेमिक रेंज था, वो तो बहुत बड़े होते ना, तो वो इतना बड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत होता ना, तो आपने क्या किया उसको भी एक रेंज पे असाइन कर दिया। आर इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे सेट होगा, माफ कीजिएगा मैं गलत कर दिया, हमने लिखा सेट के इक्वल टू रेंज ए1 डॉट करेंट रेंज, तो इतना बड़ा हमें अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल एक वर्ड लिखेंगे। आया समझ सर? ओके ठीक है, तो इसमें हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्या, कि हमें इसमें हमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है, हमने एक एरिया को नाम दे दिया ना, और उस नाम को ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन पे बात करते हैं। अब बात आती है कि क्या फोर इज सिर्फ हमारा रेल पे चलेगा, क्या सीट पे नहीं चलेगा? तो यहां पे मैं एक और मैप बना रहा हूं, थ्री, यहां पे लिखता हूं कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क सीट, और लिखता हूं यहां पे कि फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट, यहां पे वर्कशीट्स नहीं होगा, वर्कशीट होगा, यहां वर्कबुक नहीं करना था, मैं वर्कशीट करना था, वर्कशीट, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट, अब यहां पे देते हैं w डॉट नेम इक्वल टू डेटा, तो मैं कलर कर नेम टाइप कलर कर देता हूं, टाइप टायर डॉट कलर इक्वल टू बीवी रे, और यहां पर आप कर दीजिए। अब देखिए हमारे सीट में जितने भी कलर सीट थे उसको कर दिया, तो यहां पर हम लोग काउंट लगा देते ना, सीट्स डॉट काउंट फोर आई इक्वल टू सीट्स डॉट काउंट, और फिर जहां पे सीट का नेम चाहिए वहां पे आई देते थे, वो अंदर करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे फोर इच लगा दिया। फोर इच लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्कशीट, और फिर दिया कि फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्कशीट, समझ गए? ओके सर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास 10 शीट है, तो मुझे जो इसको चलाना है मतलब इस लूप को के 5 तक तो कलर ये वाला करे और 5 के बाद कलर ये करे, तो उस कंडीशन में तो उसको या फिर अपना वही यूज करेंगे, वही यूज करेंगे, ये तो हर शीट के लिए है ना? हाँ बिल्कुल, नहीं वही मैं पूछ रहा था क्योंकि क्या, क्योंकि इसमें हम कंडीशन नहीं दे सकते क्या कि इन शीट को छोड़ के इन पे ये कर दे? ओके फाइन, तो ये अपने आप में एज एक
डायनेमिकली काम करता है राइट। हाँ और दिलीप जी कोई डाउट इसमें आपको? ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं लग रहा? सर जैसे मेरे पास अभी जैसे ये एक ही है वर्कबुक, अगर मेरे पास कुछ मल्टीपल है तो वर्कबुक तो वो उसके यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक दिया है हमने, एक्टिव वर्कबुक की जगह पे आप जो देना है दे दीजिए। तो क्या वर्कबुक डॉट काउंट वर्कबुक नहीं होगा, एक तो हमने एक ही सीट में किया है ना। हाँ नहीं वही कह रहा हूँ, अगर मेरे पास जैसे मुझे एज एन एग्जाम्पल मुझे एक डेटा अगर तीन चार शीट में कॉपी पेस्ट करवाना हो तो ये काउंट करे तो उस केस में, या फिर मुझे नाम डालना पड़ेगा उसके लिए दूसरा तरीका लिखना पड़ेगा। तो बाद में बताओगे सर आप? आप क्या चाहते हैं पहले बताइए सही तरीके से। एक तो मतलब मुझे जैसे अभी हम मैं बताता हूँ शॉर्टकट में, जैसे मेरे पास अभी एक एक है सर वर्कबुक ठीक है, तो मुझे अगर कुछ काम करना है मल्टीपल वर्कबुक के बीच में तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर हम सिंपल कॉपी पेस्ट ही करवाते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो वर्कबुक है तो जैसे मान लो मैं एक शीट का डेटा पहले जो मेरी सिंगल वर्कबुक है वहाँ पे करवाता हूँ पेस्ट वन बाई वन जिसमें शीट है, फिर वही डेटा आप मुझे चाहते हो कि आपके पास पांच फाइल ओपन है और आप चाहते हो कि आप उस पांचों फाइल पे कोई काम करवाना चाहते हो राइट? राइट सर। तो उसमें हम फोर यस सर, तो उसमें हम फोर यूज करेंगे या सर ये वाला यूज करेंगे फोर? देखिए फोर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो फाइल ओपन है उसका इंडेक्स नंबर होता है, तो सीट भी इंडेक्स नंबर होता है ना जी सर, उसमें हो सकता है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी फाइल लिखा है उसका नाम मुझे वन बाई वन शो करे ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सब एच अंडर स्कोर फोर ओपन क्लोज, यहाँ पे लिखते हैं कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक फोर एच डब्ल्यू इन wname ये आपका डॉट नेम ऑब्जेक्ट रिक्वायर इंपेक्टिव या वर्कबुक इंपेक्टिव है ना, अगर पांच वर्कबुक खुला हुआ है तो ए ए वर्क यहाँ पे नहीं चलेगा ठीक है। फोर लिखेंगे तो फोर आई इक्वल टू वन टू थ्री और यहाँ पे इसे और कर सकते हैं सेट w इक्वल टू चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dim w एज ए
चुंबक को। इसको कुछ और तरीके से करना होगा सर, शायद मैं भी शायद कुछ ऐसा तो नहीं है कि तो कुछ ऐसा है कि मैथ बॉक्स और एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम कुछ समथिंग, मतलब वो अपने आप काम करेगा। एक पर एक्टिव वर्कबुक कर दिए तो एक पे चलाएगा ना। नहीं, जैसे मान लो पहले जब वो वर्कबुक पे जाएगा तो पहले उसका वो स्टॉक करेगा नाम, जब वो सेकंड काउंट करेगा तो सेकंड बुक का नाम वो दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम शीट पे काम करते हैं एक वर्कबुक पे तो फर्स्ट शीट का नाम शो करता है ना सर, फिर जब वो सेकंड पे जाएगा तो सेकंड जो शीट होगी उसका नाम वो शो करता है। तो इससे भी उसको उसी चीज़ ऐसे करना कि पहले वो वर्कबुक उसको काउंट करे, जो पहले वर्कबुक है उसका जो नेम है वो शो करे, सेकंड पे जाए उसका नाम शो करे। आई थिंक लाइक दिस ट्राई करना पड़ेगा सर। सीट्स के लिए तो है, सीट्स के लिए तो है, लेकिन हाँ वर्कबुक को काउंट करना चाहिए। हम तो सीट्स काउंट कर सकते हैं कि भाई एक बार में कितने सीट्स है, चाहे एक वर्क में कितने है। क्योंकि हमें अगर मल्टीपल वर्कबुक के बीच में अगर हम काम करते हैं सिंपली एक अगर हम कॉपी डेटा पेस्ट ही करवाते हैं तो उसके लिए ठीक है। मैं एक बार मैं इसको रिसर्च करके आपको बोलता हूँ, ठीक है? तो फोर ईच को एक बार आप अच्छे तरीके से एक कर लीजिए। हम कल की क्लास में आपके साथ डू लूप के बारे में जानेंगे। फोर ईच पे एक प्रोजेक्ट करेंगे सर। ओके सर, ठीक है ना। और फोर ईच का यूज हम फंक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, याद रखिए, ठीक है। और आपका जो प्रॉब्लम है ना सर राहिब जी, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। नो इशू सर। सर एक ना रिक्वेस्ट थी, अगर इट कुड बी पॉसिबल, जैसे बोल रहे हैं सर हम अभी फोर ईच लूप सीख रहे हैं तो इसके ही साथ साथ कुछ हमें प्रोजेक्ट या ऐसे कुछ ऐसे प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है क्या? हाँ कल इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे अगर हम कुछ प्रैक्टिस लेकर हमें मिल जाए तो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ ऐसे भी होता है इस चीज़ में और इसमें ऐसे भी होता है। ठीक है, मैं कल दूंगा आपको, कल हम उस पर काम करेंगे। हाँ फाइन।